नीट पेपर लीक केस में रोज सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं, जिससे बवाल बढ़ता जा रहा है। पेपर रद्द करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। शहर शहर सड़कों पर छात्रों ने मोर्चा खोल रखा है। इस बीच पेपर लीक जांच की आंच तेजस्वी तक जा पहुंची है। तो आखिर तेजस्वी यादव का पेपर लीक से क्या कनेक्शन है? नीट मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हैरान करने वाली जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अब नीट मामले में नया मोड़ सामने आया है, जिसने सबको हिला कर रख दिया है। खबर के मुताबिक नीट पेपर लीक का आरोपी नाम सिकंदर यादवेंदु, जो जल संसाधन विभाग का अधिकारी था, उसने तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार से सिफारिश पर गेस्ट रूम बुक करवाया था। यह हमारा दावा नहीं है, बल्कि यह दावा बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का है। उन्होंने मोबाइल नंबर समेत तमाम कॉल डिटेल्स मीडिया के सामने पेश करते हुए बिहार की राजनीति में सनसनी मचा दी। पहले आप सुनिए कि विजय कुमार सिन्हा ने क्या दावा किया है। जो जानकारी आई है कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर 4 मई को सुबह 8:49 में प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 4 मई को सुबह 8:49 प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 वही नंबर से प्रदीप कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे के बुकिंग के लिए स्मारित किया गया। इस बार बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो दावे किए, उससे नीट पेपर लीक केस में एक नया मोड़ आ गया और मामले में तेजस्वी यादव की एंट्री हो गई है। तेजस्वी यादव ने अब बीजेपी पर व्यंग करते हुए जबरदस्त पलटवार किया है। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी, हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइको, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं, ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंग पिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं, इनको क्यों बचाना चाहते हैं? तेजस्वी यादव की एंट्री होते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और नीट मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। आपको बता दें कि नीट के आरोपी सिकंदर यादवेंदु की पोस्टिंग जल संसाधन विभाग में हुई थी, लेकिन सरकारी विभागों में अच्छी पैठ की वजह से उसने अपनी तैनाती नगर विकास विभाग में करवा ली थी। सिकंदर की पोस्टिंग दानापुर में थी और वहां वो जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था। इतना ही नहीं, सिकंदर के अधिकार क्षेत्र में आसपास के 4 इलाके भी थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सिकंदर की शिकायत की तो उसे सस्पेंड तो किया गया, लेकिन अधिकारियों के बीच पहुंच की वजह से 10 दिन के भीतर उसका सस्पेंशन खत्म कर दिया गया। अब देखना दिलचस्प रहने वाला है कि तेजस्वी यादव की एंट्री के बाद ये मामला और कितना तूल पकड़ने वाला है।